दोस्तों आए दिन सरकारी पुल भ्रष्टाचार और सरकारी लापरवाही की भेंट चढ़ते रहते हैं, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है बेचारी आम जनता को। इस बार का मामला है गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बने सस्पेंशन ब्रिज का। 142 साल पुराने इस अंग्रेजी जमाने के पुल का निर्माण पूरा हुआ था 1880 में, लेकिन रविवार शाम एक भीषण हादसे में इस केबल पुल के टूट जाने से अभी तक लगभग 130 लोगों की जान जा चुकी और बहुत से लोग घायल हैं। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि इस घटना का मुख्य कारण क्या है और कौन है इस घटना का मुख्य दोषी। दोस्तों इस घटना का मुख्य कारण है सरकारी तंत्र की लापरवाही। यह पुल काफी पुराना था और 6 महीने की मरम्मत के बाद 25 अक्टूबर को ही इसे आम जनता के लिए खोला गया था। फिर कैसे 500 से 700 लोगों को घटने वाले दिन इस पुल पर जाने की अनुमति दे दी। दूसरी सरकारी लापरवाही थी कि इस ब्रिज को अभी तक फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं मिला था और कई सरकारी एजेंसियों द्वारा इसकी जांच भी बाकी थी, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इस पुल पर जाने की अनुमति दे दी गई। दोस्तों इन सभी कारणों की जांच और दोषियों पर कार्रवाई बहुत ही जरूरी है, जिससे कि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं की रोकथाम की जा